नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईक्यू क्रैकर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाईवे इंजीनियरिंग का थर्ड लेक्चर, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाईवे इंजीनियरिंग का थर्ड चैप्टर, जो कि है ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवेज। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कैम्बर के बारे में, फिर पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ हाईवेज के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम लोग डिज़ाइन ऑफ स्पीड। और आप कंटेंट्स में देख सकते हैं हम लोग क्या क्या आज कवर करने वाले हैं। आज हम लोग इस सभी को कवर करेंगे और इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा कैम्बर। तो कैम्बर क्या होता है? कभी आपने रोड देखा हो तो आपको थोड़ा नोटिस कीजिएगा कि रोड जो होता है वो बीच से थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है, थोड़ा सा ऊँचा रहता है। और रोड जो है जनरली वी शेप टाइप का होता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। तो जो ऊँचा टाइप का एक उठा हुआ रहता है बीच से, ग्राउंड लेवल के सीधे से जो उठा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्राउन। और जो साइड का लेवल होता है, जहाँ कॉर्नर में रोड खत्म होता है वहाँ तक का जो लेवल होता है, वहाँ तक रोड जो है थोड़ा सा जो है डाउन जाता है। और जो क्राउन होता है और जो साइड का लेवल होता है, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग कैम्बर बोलते हैं। तो कैम्बर जनरली इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि हमारा जो है पानी जो है बीच में जमा ना हो सके, रोड के बीच में पानी जमा ना हो सके, वो स्लाइड होके जो है रोड से बाहर चला जाए। और कैम्बर जो है बाद में व्हीकल्स को भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि व्हीकल्स भी अच्छे ग्रिप्स बना सकते हैं रोड्स में, और व्हीकल्स भी जो है ज़्यादा स्लाइड नहीं करते हैं रोड में। अब चलिए हम लोग कैम्बर का जो है डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हमारा इसका डेफिनेशन आता है कि कैम्बर इज़ जनरली अ स्लोप प्रोवाइडेड टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि कैम्बर को प्रोवाइड किया कैसे जाता है, हम लोग किस रेशियो में जो है उसको प्रोवाइड करते हैं। तो कैम्बर जो है 1:45 रेशियोज में प्रोवाइड किया जाता है। अगर हमारा जो है रोड का विड्थ 45 मीटर्स है, तो हम लोग 1 मीटर का कैम्बर जो है प्रोवाइड करते हैं। और कभी कभी हम लोग 1:50 का रेशियो भी ले लेते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग कैम्बर। जो है कैम्बर हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो पर्पस क्या होता है, उसका हम लोग का यूजेस क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा यूजेस ये आता है, ये जो है कोई भी वाटर को जो है बीच में रोड के बीच में जमा होने नहीं देता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं वाटर जो है रोड को डैमेज करता है, ख़राब कर देता है, तो इसलिए जो है हम लोग कैम्बर प्रोवाइड करते हैं ताकि जो है वाटर हमारा रोड के बीच में जमा ना हो सके। अब हमारा कैम्बर प्रोवाइड करने का सेकेंड यूज़ ये है कि हम लोग का जो भी सिंगल लेन का रोड होता है, वो भी हम लोग जो है एज अ टू लेन यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो है व्हीकल्स को अच्छी तरह से ग्रिप भी प्रोवाइड होता है कैम्बर प्रोवाइड करने से, क्योंकि अगर कोई भी टर्निंग आता है तो हम लोग का वहाँ जो है सुपर एलिवेशन बनता है, जिससे कि हमारा जो है कोई भी व्हीकल जो है रोड से स्लिप होकर बाहर नहीं जाता है। अब हमारा सुपर एलिवेशन क्या होता है, ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अब कैम्बर के टाइप्स क्या होते हैं। तो कैम्बर हमारे जनरली 4 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा स्ट्रेट कैम्बर। तो स्ट्रेट कैम्बर क्या होता है, ये जनरली जो है एकदम स्ट्रेट लाइंस में होता है। इसका जो है स्लोप वो बिल्कुल ही स्ट्रेट भागता है रोड के एंड तक। फिर हमारा नेक्स्ट आता है पैराबोलिक और इलेप्टिकल कैम्बर। तो पैराबोलिक और इलेप्टिकल कैम्बर क्या होते हैं, पैराबोलिक और इलेप्टिकल कैम्बर जनरली वो कैम्बर होते हैं जहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जो है कर्व्स प्रोवाइड करते हैं अपने कैम्बर में। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कंपोजिट कैम्बर। तो कंपोजिट कैम्बर में हम लोग जो है दो कैम्बर्स को कंबाइन करके एक कैम्बर बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग पैराबोलिक कैम्बर्स और स्ट्रेट कैम्बर्स को जो है कंबाइन कर देते हैं और उससे एक सिंगल कैम्बर बनाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है बैरल कैम्बर। तो बैरल कैम्बर क्या होता है, बैरल कैम्बर वो कैम्बर होता है जिसमें हम लोग पैराबोलिक या फिर इलेप्टिकल कर्व्स को जो है कंटिन्यूसली एंड तक प्रोवाइड करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स ऑफ हाईवेज। तो हाईवेज के जनरली 5 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले आता है सेपरेटर, फिर आता है कर्व्स, फिर आता है रोड मार्जिन्स, फिर आता है रोड फॉर्मेशंस, और लास्ट में आता है हमारा राइट ऑफ वेज। तो सबसे पहले देखते हैं सेपरेटर क्या होता है। सेपरेटर का मतलब होता है सेपरेट करना, डिवाइड करना। तो एक रोड को जो चीज़ सेपरेट करता है उसे हम लोग सेपरेटर बोलते हैं। जैसे आप देख सकते होंगे कि दो लेन वाला जो रोड होता है उसके बीच एक सेपरेटर लगा हुआ रहता है। एक साइड लेफ्ट साइड से व्हीकल्स चलते हैं, एक साइड राइट साइड से व्हीकल्स चलते हैं। और सिंगल लेन में भी कभी कभी सेपरेटर्स हम लोग देख लेते हैं, उसमें भी हम लोग का जो है लेफ्ट और राइट जो है बढ़ जाता है रोड, जिसमें लेफ्ट और राइट साइड अलग अलग व्हीकल्स चलते हैं। तो इसी तरह से जो है हमारा सेपरेटर होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कर्व्स, KERBS। तो यहाँ पर आप इसको कर्व्स मत समझ लीजिएगा, कर्व्स कुछ अलग होता है। तो कर्व्स क्या होता है चलिए देखते हैं। कर्व्स जनरली हम उन बाउंड्रीज को बोलते हैं जो कि रोड के साइड्स में दिए जाते हैं, ताकि हमारा जो है व्हीकल रोड से बाहर ना जा सके। अब जो कर्व्स होते हैं ये जनरली हमें 3 टाइप्स के देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आता है लो कर्व, जिसको हम लोग क्लास 1 कर्व भी बोलते हैं। फिर हम लोग का आता है अर्बन पार्किंग कर्व्स, जिसको हम लोग क्लास 2 कर्व्स भी बोलते हैं। फिर आता है हमारा हाई स्पीड बैरियर्स, जिसको हम लोग क्लास 3 कर्व्स भी बोलते हैं। तो जो क्लास 1 कर्व्स होता है ये होता है हमारा 7 से 8 सेंटीमीटर्स का, जिसमें जो है गाड़ी सब आराम से छलांग लगा के चला जाता है। फिर हमारा आता है सेकेंड क्लास कर्व्स, तो ये होते हैं जनरली 15 से 20 सेंटीमीटर हाइट्स के। फिर आता है हमारा थर्ड क्लास कर्व्स, तो ये होते हैं जनरली 25 से 45 सेंटीमीटर हाइट के।
फिर आता है हमारा रोड मार्जिन्स। तो रोड मार्जिन्स क्या होते हैं? रोड मार्जिन्स का मतलब होता है कि जो हम लोग रोड में निशान डालते हैं, जो वाइट वाइट पट्टी डाली जाती है रोड में, उसी को हम लोग रोड मार्जिन्स बोलते हैं। रोड मार्जिन्स को जनरली शोल्डर्स में, फिर ड्राइविंग वेज में, साइकिलिंग ट्रैक में, फुटपाथ में वगैरह वगैरह जगह में डाले जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है रोड फॉर्मेशन। तो रोड फॉर्मेशन क्या होता है? रोड फॉर्मेशन जनरली रोड का विड्थ होता है जो कि पेमेंट और शोल्डर्स को इंक्लूड करके लिया जाता है। तो हमारा जो रोड फॉर्मेशन होता है, ये जनरली हम लोग कह सकते हैं कि रोड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबको मिला करके जितना उसका टोटल विड्थ होता है, उसी को हम लोग रोड फॉर्मेशन बोलते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है डिज़ाइन स्पीड। तो रोड्स को जो है स्पीड्स के बेसिस पर भी डिज़ाइन किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे किया जाता है। डिज़ाइन ऑफ स्पीड का मतलब होता है कि हम लोग कोई भी जब रोड बनाते हैं तो उसका एक प्रॉपर जो है मैक्सिमम स्पीड का जो है लिमिट रखते हैं। उस मैक्सिमम स्पीड के बेसिस पर ही हम लोग उस रोड को जो है डिज़ाइन करते हैं। अगर कोई भी व्हीकल उस रोड में जो है उस मैक्सिमम स्पीड से ज़्यादा स्पीड पे जाएगी तो मे भी हो सकता है कि उस व्हीकल को कुछ भी एक्सीडेंट्स का सामना करना पड़े। तो इसी तरह से जो है रोड्स को डिज़ाइन किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं अलग अलग रोड्स जो होते हैं वो किस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं। तो हमारा जो IRC है, इंडियन रोड कांग्रेस, इन्होंने जो है रोड के स्पीड्स को जो है फिक्स कर दिया है, डिज़ाइन को जो है फिक्स करके रखा हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं IRC स्पेसिफिकेशन ऑफ डिज़ाइन स्पीड क्या है। तो यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हैं जो हमारा नेशनल एंड स्टेट हाईवे है, इसका जो है प्लेन ट्रेन में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो है हम लोग डिज़ाइन करते हैं। फिर हमारा मिनिमम स्पीड होता है 80 किलोमीटर का। फिर हम लोग यहाँ रोलिंग ट्रेन्स में यानी कर्व्स में देख सकते हैं 80 किलोमीटर प्रति घंटा का यहाँ स्पीड दिया हुआ है। फिर हम लोग का हिली ट्रेन्स में 50 किलोमीटर प्रति घंटा मैक्सिमम है। तो इसी तरह से जो है आप डिफरेंट कैटेगरीज के रोड के यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड्स यहाँ पर देख सकते हैं इस टेबल पे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने ग्रेडियंट्स पे। तो ग्रेडियंट्स क्या होते हैं? ग्रेडियंट जो है ना वो हमारा चढ़ाई या फिर हमारा जो ढलान आता है रोड्स में उसको बोलते हैं। तो जो चढ़ाई आता है हमारे रोड्स में उसको हम लोग पॉजिटिव ग्रेडियंट बोलते हैं, और जो हमारा ढलान आता है रोड्स में यानी कि जो फॉलिंग ग्रेडियंट होता है उसे हम लोग नेगेटिव ग्रेडियंट बोलते हैं। अब हम लोग मान लेते हैं कोई भी रोड में, अगर हम लोग अपर ग्रेडियंट वाले रोड में मान लेते हैं 100 मीटर्स आगे जाते हैं, जिसमें कि हम लोग नॉर्मल ग्राउंड लेवल से, इनिशियल ग्राउंड लेवल से हम लोग 5 मीटर के ऊपर पहुंच जाते हैं, तो हम लोग उसमें कह सकते हैं कि हमारा जो ग्रेडियंट है उस रोड का वो 5:100 है। तो इसी तरह से जो है ग्रेडियंट को शो किया जाता है। तो हमारा ग्रेडियंट जो है वो हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, हम लोग का पर्पस क्या होता है ग्रेडियंट प्रोवाइड करने का? तो जैसा कि हम लोग रोड बना रहे हैं, हम लोग देख सकते हैं कोई भी जो प्लेस होता है, कोई भी लैंड होता है, तो वो जो है प्लेन तो नहीं होता है। कहीं पे हिली एरियाज होते हैं तो वहाँ पर जो है कहीं खाई होती है, कहीं चढ़ाई होती है, कहीं पर माउंटेन्स होते हैं, तो वहाँ पर जो है हम लोग पूरे माउंटेन्स को तो क्लियर नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रेडियंट, प्रॉपर ग्रेडियंट में जो है हम लोग उस रोड को वहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, ताकि हमारा जो लोअर लेवल है रोड का वो हायर लेवल से कनेक्ट कर सके और दो लेवल्स जो है अलग अलग रोड्स के वो कनेक्ट हो सके। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं ग्रेडियंट के टाइप्स। तो ग्रेडियंट्स जो है जनरली 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा रूलिंग ग्रेडियंट, फिर आता है लिमिटिंग ग्रेडियंट, फिर आता है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, फिर आता है हमारा फ्लोटिंग ग्रेडियंट। तो सबसे पहले आता है हमारा रूलिंग ग्रेडियंट। तो रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है? रूलिंग ग्रेडियंट जनरल ग्रेडियंट्स होते हैं जो कि थोड़े मोड़े अप एंड डाउन के होते हैं। इस तरह के ग्रेडियंट जो है काफी इकोनॉमिकल और कन्वीनियंट होते हैं किसी भी व्हीकल्स के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट आता है लिमिटिंग ग्रेडियंट। तो लिमिटिंग ग्रेडियंट नाम से ही पता चल रहा है कि चढ़ाई इतना होना चाहिए कि व्हीकल जो है चढ़ सके। मैक्सिमम जो है हम लोग जितना ग्रेडियंट प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि एक नॉर्मल व्हीकल उसको कवर अप कर सके, वहाँ तक चढ़ सके। ऐसा नहीं है कि व्हीकल चढ़ते चढ़ते आधा ही रास्ता में वापस आ जाए। तो इसी तरह से जो हमारा मैक्सिमम ग्रेडियंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसी को हम लोग लिमिटिंग ग्रेडियंट बोलते हैं। फिर हमारा आता है नेक्स्ट एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। तो एक्सेप्शनल ग्रेडियंट का मतलब होता है कि पूरी तरह से एक्सेप्शनल होना। बहुत ही रेयर सर्कमस्टेंसेस में जब हम लोग कोई भी ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं रोड्स में, तब हम लोग बोलते हैं उसको एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। फिर आता है हमारा फ्लोटिंग ग्रेडियंट। फ्लोटिंग ग्रेडियंट वो ग्रेडियंट्स होते हैं जिसमें कि हम लोग ग्रेडियंट्स प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ उसके साथ थोड़ा सा जो है प्लेन रोड्स भी डालते हैं। फिर प्लेन रोड डालने के बाद फिर ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा जो स्पीड है व्हीकल का वो यूनिफॉर्मली बना रहे, वो एक ही रफ्तार में बना रहे। इसलिए हम लोग जो है ग्रेडियंट भी प्रोवाइड करते हैं और स्ट्रेट एक प्लेन रोड भी प्रोवाइड करते हैं। तो जहाँ पर हमारा ग्रेडियंट और प्लेन रोड दोनों ही मिला हुआ रहता है, पहले रोड आया ग्रेडियंट में फिर आया प्लेन में, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग ग्रेडियंट। फिर हमारा नेक्स्ट आता है साइड डिस्टेंस। तो साइड डिस्टेंस क्या होता है? साइड डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है जो कि एक ड्राइवर अपनी आंखों से देखता है जब वो गाड़ी चलाता है। जब वो गाड़ी चलाता है उसे जितना भी डिस्टेंस दिखता है रोड का, जो भी रोड उसे दिखता है वही होता है उसका साइड डिस्टेंस। अब हमारा कोई भी ड्राइवर का जो साइड डिस्टेंस है वो इफेक्ट कैसे होता है, ये जो है 4 तरीके से इफेक्ट किया जा सकता है। सबसे पहला आता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द रोड। रोड जो है वो हॉरिजॉन्टली है या नहीं। फिर हमारा हो सकता है वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ द रोड। अब हमारा रोड कहीं भी
ऊंचा नीचा है, लोअर एंड हायर ग्रेडियंट प्रोवाइडेड है, तो साइड डिस्टेंस में इफेक्ट आ सकता है। फिर आता है हमारा ट्रैफिक कंडीशन, तो ट्रैफिक कंडीशन भी हो सकता है, अगर ज़्यादा ट्रैफिक जाम है तो हम लोग आगे तक नहीं देख सकते हैं रोड के, तो वो भी होता है, हमारा साइड डिस्टेंस को अफेक्ट करता है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है पोजिशन ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसका पोजिशन भी हमारे साइड डिस्टेंस को अफेक्ट करता है। अब हम लोग देख लेते हैं साइड डिस्टेंस के टाइप्स। तो साइड डिस्टेंस जनरली टू टाइप्स के होते हैं, सबसे पहले आता है हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और दूसरा आता है हमारा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का मतलब होता है कि जहाँ तक कोई भी ड्राइवर को जो है व्यू दिख रहा होता है, वहाँ तक जाने के बाद अगर उसे कोई और व्यू नहीं दिखे तो वो जो है वहाँ पर स्टॉप हो जाता है, यानी कि कोई अगर हमारा ऑब्स्टिकल्स आ जाता है तो हम लोग जो है वहाँ पर स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो जिस साइड पे हमारा गाड़ी रुक जाता है उसी को हम लोग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बोलते हैं। फिर हमारा आता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, यानी कि कोई भी गाड़ी अगर हम लोग चला रहे हैं, गाड़ी के आगे कोई गाड़ी आ जाता है जिससे हमारा साइड जो है डिस्टेंस वो लिमिटेड हो जाता है, लेकिन हमारा जो है वो गाड़ी साइड से भी जा सकता है, तो साइड से हम लोग जब निकालते हैं और ओवरटेक कर लेते हैं उस गाड़ी को तो हम लोग उसको बोलते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को हम लोग पासिंग साइड डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो अब हमारा इस चैप्टर का बहुत ही मेन पॉइंट आता है जो कि है रोड कर्व्स। रोड कर्व्स जो है एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इसे जो है अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा। रोड कर्व्स क्या होते हैं चलिए देखते हैं। तो जब भी हमारा रोड दूसरे डायरेक्शन में मुड़ने लगता है तो हम लोग उसमें जो है एक तरह का आर्क शेप का बनाते हैं रोड को, जिसको हम लोग कर्व भी बोल सकते हैं। तो जो कर्व हम लोग प्रोवाइड करते हैं रोड में उसी को हम लोग रोड कर्व्स बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं रोड कर्व्स के कुछ एडवांटेजेस को, कि रोड कर्व्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो उसके एडवांटेजेस हमें क्या क्या मिलते हैं। तो रोड कर्व्स प्रोवाइड करने से हम लोग जो है कोई भी डायरेक्शन में रोड्स को ले जा सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन में उसे मोड़ सकते हैं। फिर हमारा रोड कर्व्स प्रोवाइड करने से जो है व्हीकल का स्पीड जो है वो कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, व्हीकल जो है अपने नॉर्मल स्पीड में आराम से डायरेक्शन बदल सकता है। जनरली हम लोग देखते हैं कभी कभार ऐसा होता है रोड अचानक से मुड़ जाता है जिसमें कोई कर्व्स नहीं होते हैं, तो वहाँ पर हमारा जो है व्हीकल का स्पीड जो है कम करना पड़ता है, लेकिन कर्व्स में ये जनरली बात नहीं होती है। कर्व्स में हम लोग बिना स्पीड को कम किए भी हम लोग व्हीकल्स को मोड़ सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट एडवांटेजेस ये है कि कर्व्स में हम लोग को जो है विजिबिलिटी और जो साइड डिस्टेंस है वो काफ़ी बेटर मिलता है, और ये हमारे ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ही कंफर्टेबल होता है। तो चलिए अब हम लोग रोड कर्व्स के टाइप्स को देख लेते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ कर्व्स। तो टाइप कर्व्स जनरली हमारे 3 टाइप्स के कर्व्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कर्व, एक वर्टिकल कर्व और एक ट्रांजिशन कर्व। तो चलिए देखते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व्स क्या होते हैं। हॉरिजॉन्टल कर्व्स जनरली वो कर्व्स होते हैं जो कि हम लोग हॉरिजॉन्टल लैंड में यानी कि प्लेन लैंड में प्रोवाइड करते हैं। तो जो हमारे हॉरिजॉन्टल कर्व है ये 3 टाइप्स के होते हैं, पहला है सिंपल कर्व, दूसरा है कंपाउंड कर्व और तीसरा है हमारा रिवर्स कर्व। तो चलिए देखते हैं सिंपल कर्व्स क्या होते हैं। तो सिंपल कर्व्स वो कर्व्स होते हैं जो कि सिंपल होते हैं, यानी कि उसमें सिर्फ एक ही रेडियस का आर्क प्रोवाइड किया जाता है, उसका आर्क जो होता है वो सिर्फ एक ही सिंगल रेडियस का होता है, इसीलिए उसको हम लोग सिंपल कर्व बोलते हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर हमारा आता है कंपाउंड कर्व। तो कंपाउंड कर्व क्या होते हैं, कंपाउंड कर्व वो कर्व्स होते हैं जिनमें हम लोग दो तरह के आर्क्स वाले कर्व्स को एक साथ डालते हैं, जिनमें जो है दो तरह के डिफरेंट डिफरेंट रेडियस होते हैं। और इसके बाद आता है हमारा रिवर्स कर्व। तो रिवर्स कर्व क्या होते हैं, जब भी कभी हमारा दो कर्व जो है एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन से मीट करता है तो उसे हम लोग रिवर्स कर्व बोलते हैं। तो ये थे हमारे हॉरिजॉन्टल कर्व्स के टाइप्स। अब हमारा नेक्स्ट आता है वर्टिकल कर्व्स। तो वर्टिकल कर्व्स क्या होते हैं, वर्टिकल कर्व्स जनरली हम लोग का वो कर्व्स होता है जो कि हम लोग ग्रेडियंट्स में प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारे प्लेन जमीन में नहीं होते हैं। प्लेन जमीन में जिन कर्व्स को दिया जाता है उन्हें हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और जो हमारे ढलान या फिर चढ़ाई या फिर कह सकते हैं ढलान में जो कर्व्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसको हम लोग वर्टिकल कर्व्स बोलते हैं। तो हमारे वर्टिकल कर्व्स को भी जो है टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है हमारा स्मिथ कर्व, फिर आता है हमारा वैली कर्व। तो स्मिथ कर्व्स क्या होते हैं, तो जब भी हमारा कोई कर्व दो ग्रेडियंट्स के बीच जो है हाईएस्ट एलिवेशन में इंटरसेक्ट किया जाता है तब हम लोग उसको बोलते हैं स्मिथ कर्व्स। तो आप जो है कुछ सिचुएशंस देख सकते हैं स्मिथ कर्व्स के, यहाँ पर आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये सभी जो है कुछ सिचुएशंस है जिसके द्वारा हम लोग जो है स्मिथ कर्व्स को प्रोवाइड करते हैं। फिर हम लोग आता है वैली कर्व। तो वैली कर्व्स क्या होते हैं, तो हमारे वैली कर्व्स वो कर्व्स होते हैं जिसमें हम लोग दो ग्रेडियंट्स को जो है लोएस्ट एलिवेशन में इंटरसेक्ट करवाते हैं, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख पा रहे होंगे। ये थे हमारे वर्टिकल कर्व्स के टाइप्स। अब हमारा नेक्स्ट कर्व आता है ट्रांजिशन कर्व। तो ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, तो ट्रांजिशन कर्व को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। ट्रांजिशन कर्व्स वो कर्व्स होते हैं जो कि दूसरे कर्व्स में प्रोवाइडेड किए जाते हैं ताकि हम लोग जो है एक स्मूथ वे में हम लोग व्हीकल को मोड़ सकें। मतलब जब भी हम लोग दो डायरेक्शन के, दो अलग अलग डायरेक्शन के रोड्स को एक साथ मिलाते हैं और उसमें कर्व्स प्रोवाइड करते हैं तो हमारा जो है एक स्मूथ वे में कर्व को प्रोवाइड करने के लिए एक जो है ट्रांजिशन कर्व डाला जाता है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे। ट्रांजिशन कर्व्स को जनरली जो है किसी भी कर्व्स के स्टार्टिंग में और एंडिंग में डाला जाता है।
ट्रांजिशन कर्व्स को इसलिए डाला जाता है ताकि हमारा व्हीकल जो है वो स्मूथली एंड यूनिफॉर्मली स्पीड में जो है कर्व्स को पार कर सके। और जो ट्रांजिशन कर्व्स के रेडियस होते हैं वो कंटिन्यूसली वैरी करते रहते हैं। तो ट्रांजिशन कर्व्स हमारा जो है मेनली 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहले आता है स्पाइरल कर्व्स, फिर आता है लेमनस्केट कर्व, फिर आता है हमारा क्यूबिक पैराबोला कर्व। इन तीनों को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो ट्रांजिशन कर्व का हम लोग लेंथ किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, चलिए देखते हैं। अब हमारा जो ट्रांजिशन कर्व है उसका लेंथ फाइंड आउट करने का हमारे पास 3 कंडीशन है। तो सबसे पहले आता है हमारा रेट चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। तो इस कंडीशन में जो है हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करते हैं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व को निकालने के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट आता है रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन। तो इसे हम लोग फाइंड आउट करने के लिए, इसमें हम लोग लेंथ फाइंड आउट करने के लिए जो है इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है IRC इम्पेरिकल फार्मूला। तो इसमें हम लोग जो है दो तरह के फार्मूलाज को यूज़ करते हैं। फॉर एक प्लेन ट्रेन्स के लिए ये फार्मूला यूज़ किया जाता है, और एक माउंटेनियस और स्टिप ट्रेन्स के लिए ये फार्मूला को यूज़ किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड ट्रांजिशन कर्व। तो गुड ट्रांजिशन कर्व एक प्रोवाइड करने का क्या मतलब, हमारा रिक्वायरमेंट क्या होता है ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करने का। तो हमारा जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमारा लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इतना होना चाहिए कि हमारा जो सुपर एलिवेशन उसमें प्रोवाइड किया जा रहा है वो एक कंफर्टेबल रेट से प्रोवाइड किया जा सके, एक कंफर्टेबल रेट में उसका जो है सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया जा सके। फिर हमारा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ये आता है कि हमारा जो भी ट्रांजिशन कर्व होता है उसका एक इनफाइनाइट रेडियस से लेके फाइनाइट रेडियस तक का उसका वेरिएबल रेडियस मतलब होना चाहिए। फिर हमारा एक और पॉइंट आता है वाइंडिंग ऑफ रोड ऑन कर्व्स। अब हमारा वाइंडिंग मतलब क्या होता है, जब भी हमारा कोई कर्व को बनाया जाता है तो आप देखते होंगे कि वो जनरली जो है नॉर्मल रोड के चौड़ाई से, नॉर्मल रोड के वेट से थोड़ा ज़्यादा होता है, उसका वेट जो है नॉर्मल रोड से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये क्यों होता है? तो जब भी हमारा कोई स्ट्रेट रोड में कोई व्हीकल चलता है तो उसका आगे का पोर्शन और उसका पिछवाड़े का पोर्शन जो है एक सीध में होता है, लेकिन जब भी हमारा कोई कर्व में कोई व्हीकल जब घूमता है तो उसका आगे का पोर्शन और पिछवाड़ा का पोर्शन जो है चेंज होते रहता है कंटिन्यूसली। इसलिए जो है हम लोग को रोड का जो है विड्थ को बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग का उसमें अगर एक से ज़्यादा व्हीकल्स आ गए तो शायद हमें वहाँ पर क्रॉसिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए जो है हम लोग जनरली रोड के वेट को जो है कर्व्स पर बढ़ा देते हैं ताकि हमारा व्हीकल जो है अच्छी तरह से क्रॉस हो सके। तो उसी को हम लोग बोलते हैं वाइंडिंग ऑफ रोड्स ऑन कर्व्स। इसके बाद वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम्स में हर साल पूछे गए हैं और इस साल भी पूछे जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो ये है हमारा सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन क्या होता है चलिए जान लेते हैं। तो जब भी हमारा कोई व्हीकल जो है कर्व से क्रॉस करता है तो उसमें दो तरह के फोर्सेस लगते हैं, एक होता है हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आपने जो है क्लास 9 में इन फोर्सेस के बारे में जरूर पढ़ा होगा। ये वैसे फोर्स होते हैं जो कि व्हीकल्स को या फिर कह सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को उसके पाथ से भटकाते हैं, उसके पाथ से जो है बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा रोड में जब हमारा कोई भी व्हीकल कर्व से क्रॉस करता है तो ये सभी जो दो फोर्सेस होते हैं ये ट्राई करते हैं कि हमारे व्हीकल को रोड से जो है बाहर खींच ले, बाहर पुल कर ले, रोड से जो है बाहर फेंकते हैं। लेकिन इसी को हम लोग रोकने के लिए जो है रोड में हम लोग सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड करते हैं। तो सुपर एलिवेशन किस तरह से प्रोवाइड किया जाता है चलिए देखते हैं। तो जो हमारा सुपर एलिवेशन होता है वो जनरली एक इनवर्ड इंक्लिनेशन होता है किसी भी कर्व में। कर्व्स को जो है इनवर्ड इंक्लिनेशन में जो है बनाया जाता है ताकि हमारा रोड जो है अच्छी पकड़ बना सके जब भी वो क्रॉस करे उस कर्व में। तो हमारा जो सुपर एलिवेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, आप देख सकते हैं फिगर में यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो है रोड पर एक थीटा डिग्री का इंक्लिनेशन प्रोवाइड किया है जिससे कि हमारे व्हीकल के वेट पर जितना भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो इसका अगर सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग लेना चाहें तो आपने जो है मेले वगैरह में जो है कभी मौत का कुआं तो देखा ही होगा, मौत का कुआं किस तरह से वर्क करता है। वहाँ पर जो है बाइक्स को किस तरह से दीवारों पर चढ़ाया जाता है वो कैसे होता है, वो भी होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से और इंक्लिनेशन प्रोवाइड किया हुआ सुपर एलिवेशन की वजह से। तो यही होता है हमारा सुपर एलिवेशन जिसको हम लोग रोड्स में प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा जो है कर्व्स में गाड़ी जो है स्मूथली रन कर सके, कहीं हमारा गाड़ी पलटी होके निकल ना जाए। तो चलिए अब देख लेते हैं सुपर एलिवेशन के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने का हमारा क्या एडवांटेजेस है, सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने से हमारा जो है व्हीकल का स्पीड जो है यूनिफॉर्मली बना रहता है किसी भी कर्व में, और हमारा जो है व्हीकल कर्व से जो है वो बाहर नहीं निकलता है, रोड से हमारा बाहर नहीं निकलता है। फिर हमारा एक और एडवांटेजेस ये आता है कि हमारा जो है वाटर रोड में जमा नहीं होता है, यानी कि जिस चीज़ को अंदर रखना है वो अंदर ही रहता है और जो चीज़ को बाहर निकालना रहता है वो बाहर निकल जाता है अपने रास्ते में। तो चलिए अब देखते हैं सुपर एलिवेशन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो सुपर एलिवेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये फॉर्मूले जो है यूज़ करके हम लोग सुपर एलिवेशन को कैलकुलेट करते हैं।
तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ सुपर एलिवेशन। तो सुपर एलिवेशन का हम लोग का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए एक रोड के लिए, चलिए देख लेते हैं, क्योंकि हमें हर एक रोड को जो है मौत का कुआं तो बनाना नहीं है। इसलिए हम लोग जो भी सुपर एलिवेशन निकलता है फॉर्मूला से कैलकुलेट करके उसको हम लोग एक लिमिट में सेट करके रखते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं इसका लिमिट क्या है। तो हमारा जो प्लेन एंड रोलिंग एरियाज होता है वहाँ पर हमारा 7% तक का लिमिट होता है, फिर हमारा जो स्नो बॉन्ड एरियाज होता है वहाँ पर हमारा 7% का लिमिट होता है, और जो हमारा हिली एरियाज होता है जहाँ पर स्नो नहीं होते हैं वहाँ पर हम लोग 10% का जो है लिमिट सेट करके रखते हैं सुपर एलिवेशन का। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं मैथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन हम लोग किस तरह से प्रोवाइड करते हैं ये भी देख लेते हैं। चलिए तो सबसे पहला मैथड हमारा ये आता है कि जो हमारा इनर एज होता है सुपर एलिवेशन का वो होता है सेम लेवल में, जो भी हमारा रोड है उसी के सेम लेवल में हमारा इनर एज प्रोवाइड किया जाता है। फिर हमारा जो कैम्बर होता है उस कैम्बर को जो है न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, यानी कि उस कैम्बर को वहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाता है जब भी हम लोग कोई भी सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं तब, क्योंकि कैम्बर का खुद का अपना भी एक इंक्लिनेशन होता है तो हो सकता है वो सुपर एलिवेशन को डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए हम लोग कैम्बर जो है प्रोवाइड नहीं करते हैं जब भी हम लोग कर्व्स में सुपर एलिवेशन को डालते हैं। फिर हमारा जो भी आउटर एज होता है कर्व का उसको हम लोग जो है सुपर एलिवेशन कैलकुलेट किए गए वैल्यू से जो है रेज कर देते हैं ताकि हमारा व्हीकल जो है आराम से उसे क्रॉस हो सके। फिर जो हमारा सेंटर ऑफ द रोड होता है वो भी एक सेम यूनिफॉर्म एलिवेशन में ही मेंटेन करके रखा जाता है। फिर हमारा जो कैम्बर है उसको आउटर और इनर एज दोनों तरफ से जो है न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। तो इन सभी मेथड्स को फॉलो किए जाते हैं किसी भी सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड करने के लिए। तो यहीं पर हमारा जो है ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन ऑफ हाईवेज चैप्टर खत्म होता है। और जहाँ तक बात है न्यूमेरिकल्स की, तो न्यूमेरिकल्स मुझे नहीं लगता इतने ज़्यादा टफ है, सारे डेटाज तो आपको अवेलेबल होंगे, आपको खाली फार्मूला पता होना चाहिए, तो आप फार्मूला को जो है अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए। तो जैसा कि आप लोगों ने बताया आपका हाईवे का एग्जाम नज़दीक है, तो मैंने भी सोचा कि जितना हो सके मैं अपनी तरफ से हेल्प आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ। तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लास्ट ईयर के कुछ सैम्पल क्वेश्चंस के लिंक मिल जाएंगे, आप चाहे तो वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको जो है कुछ आइडिया मिल जाएगी किस तरह का क्वेश्चंस आ सकता है। और मैंने आईक्यू क्रैकर का एक फेसबुक ग्रुप बनाया है, तो जाइए आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।